मैं हिंदू भाइयों से भी ख्वाहिश करता हूं कि ये मुनव्वर फारूकी के किसी भी प्रोग्राम को आपने छोटी सी क्लिप देखी ली होंगी, लेकिन मैं आप सभी को पूरी क्लिप दिखाने वाला हूं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी पे एक मौलाना भड़के और डायरेक्ट हिंदू भाई से अपील कर दी कि इसका शो सक्सेसफुल नहीं होने देने का है, इसके टिकट वगैरह मत खरीदो। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला और वो वीडियो बताने वाला हूँ मौलाना का छोटा सा, जहाँ पर वो भड़के। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहते हैं। चलिए आप सबसे पहले मौलाना साहब का वो वीडियो देख लीजिए जहाँ पर मौलाना साहब मुनव्वर फारूकी पे भड़के। मैं उसके बाद आपसे बताने वाला कि क्यों वो भड़के, आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। मैं हिंदू भाइयों से भी ख्वाहिश करता हूं कि ये मुनव्वर फारूकी के किसी भी प्रोग्राम को कहीं पर भी कामयाब ना करे, कंडम करे इसको, इसके टिकट ना खरीदे। इस्लाम नाचने वालों को प्रमोट नहीं करता, इस्लाम गाने वालों को प्रमोट नहीं करता है, इस्लाम नचोड़ों का मजहब नहीं है, इस्लाम गवाहियों का मजहब नहीं है। गाइज आपने मौलाना साहब का छोटा सा वीडियो देख ही लिया और आप समझ गए हो कि आखिर मौलाना साहब क्यों विरोध कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी का, और हिंदू भाई से क्यों अपील कर रहे हैं उनका शो को सक्सेसफुल नहीं करने की, टिकट नहीं खरीदने की। क्योंकि आप सभी बताओगे अभी हैदराबाद का माहौल किस तरह हो गया था मुनव्वर फारूकी के जाने के बाद, आप सब लोगों की शान में भी गुस्ताखी की थी राजा सिंह ने, आप सभी को बताऊंगा। तो गाइस आपका इसी पर क्या कहना और मौलाना साहब की बात पर आपका क्या कहना, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। रेसूडो को जितना हो सके ना उतना शेयर करिए, उतना फैलाइए।